नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश में सरकार शिक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वही आदिवासी अंचलों में माता पिता अपने बच्चों को मजदूरी करवा रहे हैं। ऐसा ही मामला मनावर के ग्राम भुआउदा से 7 पिकअप वाहनों को चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल संरक्षण धार, बाल श्रमिक विभाग धार ने बाल श्रमिकों को मजदूरी पर जाते पकड़ा, जिसमें 83 बाल श्रमिक मजदूर पाए गए, जिन्हें विभाग के द्वारा बच्चों को पढ़ाई करने की समझाइश दी गई। वह पढ़ने वाले बच्चों को कापी पेंसिल के अभाव में मजदूरी करने को मजबूर थे, जिन्हें कॉपी पेंसिल कंपास बॉक्स देकर सभी बच्चों के परिजनों को बुलाया गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए समझाइश देकर परिजनों के हवाले किया गया। वही सभी बाल श्रमिक मनावर ग्रामीण क्षेत्र के हैं। पुलिस ने 7 वाहनों पर ओवरलोडिंग की कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। पुलिस विभाग की मदद से हम लोगों ने भुआदा फाटे पे, नहर फाटे पे पिकअप वाहनों को रोका गया, जिसमें बाल मजदूर पाए गए। उनको सभी को पुलिस चौकी बाकानेर में लाया गया और सभी बालिकाएं और बालक को समझाइश दी गई, जिसमें बालिकाएं 68 बालिकाएं थी जो 9 वर्ष से लेके 17 वर्ष के बीच में पाई गई है और 15 बालक थे। इन पे अभी आपने पिछले भी सिंघाना में कार्रवाई करवाई थी, इस पे संबंधित लोगों पे कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं, जो लोग इनको ला रहे हैं, ले जा रहे हैं? जी, इसमें जो अपने पिकअप वाहन वाले हैं जो लेके आ रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और जो नियोजक है इनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। और स्कूल में सभी बच्चों को कलेक्टर साहब को हमने लिस्ट अवगत करा दी है और सभी जितने भी बच्चे रेस्क्यू किए गए उनको वापस से स्कूल में एडमिशन की। आज महिला बाल विकास जो विभाग होता है उनके द्वारा और पुलिस के टीम के द्वारा आज कार्रवाई की गई है, जिसमें 7 लोडिंग गाड़ियां लाए, जिसमें बाल श्रमिक 68 थे और महिला बाल विकास द्वारा उनकी जो बाल श्रमिक ऊपर जो कार्रवाई होती है उन्होंने वैधानिक कार्रवाई की है। उनके परिजनों को समझाइश दे दी गई है कि आप बाल श्रमिक को, बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप स्कूल भेजें। और ये जो पिकअप है इनके ऊपर जो मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं हैं, है ना, कि आप ओवरलोड में, मतलब आप पिकअप में मजदूर नहीं भर के ले जा सकते, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी है, क्योंकि अभी मजदूर बहुत सारे हैं, इनको आने जाने के प्रॉब्लम है।